अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है, लेकिन अमृतपाल है कि वे पुलिस के हाथ लगने को तैयार नहीं है। ऐसे में पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की 7 तस्वीरें लोगों के सामने पेश की हैं, जो अमृतपाल को अलग अलग तरीके से दिखाती हैं। इन तस्वीरों में वो काफी यंग दिखाई दे रहा है। पुलिस को भेष बदलने का शक है। यही वजह है कि मंगलवार को पुलिस ने अमृतपाल की कई तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को सभी राज्यों के साथ भी साझा किया गया है। वहीं BSF और SSB को भी सभी तस्वीरें भेज दी गई हैं। आशंका है कि अमृतपाल दूसरे राज्यों के रास्ते पंजाब से भाग सकता है। यही वजह है कि पंजाब पुलिस ने अन्य राज्यों से भी संपर्क किया है। वहीं पंजाब पुलिस अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। इस बीच अमृतपाल सिंह से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह टोल प्लाजा पर कार की अगली सीट पर भागते हुए दिखाई दे रहा है। जिस कार से अमृतपाल सिंह फरार हुआ है, वो कार बरामद हुई है। जिन 4 आरोपियों ने अमृतपाल सिंह की भागने में मदद की थी, उन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साडे कोले जिहड़ियां इहदियां कुछ पुरानियां फोटोग्राफ्स आ, कुछ नवियां फोटोग्राफ्स आ, जिहड़ियां कि असीं सोशल मीडिया तो बाकी जगह तो साडे कोले आईआं, वो असीं जरूर एक बारी रिलीज़ करना चाहवांगे। वी विल वॉन्ट कि ये नैशनल TV ते बाकी चैनल्स ते जरूर जाण, क्योंकि असी नहीं कुछ कह सकते। जदों फड़िया जाएगा उदों ही पता लगेगा कि बंदा किस पुलिए च है, पर रूल आउट नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। सो ये मैं फोटोआं जिहड़ियां असीं कुछ जिहड़ियां लभियां होंदियां अलग अलग जगह तो, वो फोटोआं तुहानूं सारयां नूं रिक्वेस्ट करांगा इन्हां नूं सर्कुलेट किया जाए। इसके अलावा अमृतपाल के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जैसे कि टोल प्लाजा से भागता हुआ तो कभी किसी के साथ बाइक से भागता हुआ। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अमृतपाल पाकिस्तान भी भाग सकता है। इसके बाद केंद्र सरकार ने समीक्षा सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया है। पंजाब से लगने वाली 550 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान की सीमा पर BSF जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवान मुस्तैद हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को सतर्क करने का आदेश दिया है।